तो भरूच के अंदर मेरा जो चैनल का लोगो है वो फाइनल हो चुका है, तो उनके प्रिंट भी दे चुके हैं, वो मेरा फ्रेंड है। तो वो भाई ने बोला है कि 2 बैठ को तुम आ जाओ आज, तो मैं आज लेने के लिए जा रहा हूँ भरूच के अंदर। तो 11 बजे जैसा मैं निकलने वाला हूँ इधर से, तो देखते हैं कि आज क्या हाल होता है। गर्मी बहुत सारी बार हो चुकी है अभी तो 2 बैठ को जाने के लिए थोड़ी दिक्कत होगी मेरे को, लेकिन मिलते हैं हम। तो जाना तो पड़ेगा ही मेरे को, वो लेना है तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और हो सके तो छोटी सी कमेंट करके देना, तो हमको भी अच्छा लगेगा। और आप सबका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। तो मिलते हैं बाइक के ऊपर। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाइक के पास। तो ये छोटा सा गार्डन जैसा है मेरे घर के बाहर, मेरी गाड़ी रहती है इधर, ये पार्किंग का है मेरा। तो अभी हम गाड़ी देखते हैं कि स्टार्ट होती है कि नहीं होती। सबसे क्या है कि गाड़ी को केयर करनी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कि फर्स्ट सेल में स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, तो देखते हैं अभी हम। हो गई हो गई यार, हो गई। हम घर से निकल चुके हैं और गांव से बाहर आ गए हैं, बाहर के रास्ते पर। तो रास्ता थोड़ा बहुत ही ख़राब हो गया अभी तो, इधर कुछ मेंटेन नहीं हो रहा है, रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो ये मेरे को सीधा अंकलेश्वर की ओर पड़ता है, तो ये सीधा रास्ता है मेरे गांव से निकलने का अंकलेश्वर जाने के लिए। तो मैं यहाँ से सीधा अंकलेश्वर जाऊँगा, बाद में अंकलेश्वर से प्लान करते हैं कि कैसे करके भरूच जाना है, तो देखते हैं आगे। और धूप बहुत ही तेज़ धूप है, बहुत ही बहुत कि कुछ समझ में नहीं आता। इतना सारा मैंने पहना है लेकिन बहुत ही गर्मी लगती है, बहुत धूप है। तो थोड़ा मेरे को भी लेट हो गया है निकलने के अंदर, थोड़ा जल्दी निकलना था मेरे को, लेकिन थोड़ा काम था इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब तो झेलना ही पड़ेगा लेट निकला हूँ। तो एकदम खाली रास्ता है अभी, कोई सामने से नहीं आ रहा है कि कोई जा नहीं रहा। अभी तो 11:30 बजा है, लेकिन बहुत ही लोग कम लोग जा रहे हैं अभी, क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि कुछ मालूम नहीं पड़ता कि कैसे करके जाए। और बाइक से तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जो समर आ जाता है तो समर के अंदर तो निकलना बहुत ही मुश्किल पड़ता है। बाइक ट्रिप करना हो तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी गर्मी पड़ती है, तो बाइक चलाने में भी अपनी जो स्फूर्ति होती है वो इसमें ही चली जाती है सब। लेकिन अब अंकलेश्वर के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं, तो देखते हैं अंकलेश्वर जाके क्या आगे क्या प्लान होता है हमारा। तो बहुत सारी धूप मिलने वाली है, अभी तो 11:30 बजे वहीं पे, तो मेरे को 2 बजे जाने का है। तो देखते हैं कि कैसे करके मैं जाऊंगा वहीं पे। तो आप देख सकते हो मेरे राइट साइड बहुत ही बड़ा तालाब है, तो मेरा तो मन हो गया इधर नहाने का। गर्मी इतनी है कि ऐसा लगता है कि अभी जाके नहा लूँ वहीं पर जाके, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है इधर से। तो फाइनली मैं अंकलेश्वर के अंदर पहुँच चुका हूँ अभी। तो इधर भी देख सकते हो आप कि बहुत ही कम ट्रैफिक है, लेकिन जो कोई शाम को जो आते हैं ये रास्ते पे, तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। अभी तो पूरा रास्ता खुला है, तो गर्मी के हिसाब से लोग बाहर निकलने के लिए निकलते ही नहीं है कोई, इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है कि कोई बाहर निकलने से भी हिचकिचाता होगा कि कैसे करके बाहर निकले। तो अभी तो क्या है कि मेरे को तो जाना ही पड़ेगा, स्टिकर लेने का है मेरे को, क्योंकि जो मैंने चैनल स्टार्ट की है तो उनका कोई प्रमोशन तो होना चाहिए कि भाई मेरे चैनल का लोगो, जो लोगो होता है कोई भी बिजनेस हो तो खुद का एक लोगो होता है, तो मेरा भी एक लोगो ही है। तो लोगो का मैंने स्टिकर बनवाया है, तो वो मैं फ्रेंड सर्कल में बांटने वाला हूँ, मेरा ये सभी फ्रेंड सर्कल के अंदर मैं लोगो को बांटूँगा,
जिसको चाहिए वो मेरे को मैसेज करे कि भाई मेरे को लोगो चाहिए तो मैं भिजवा दूंगा किसी के भी साथ। तो ये लोगों के लिए मैं अभी जाना पड़ता है मेरे को कि मेरा लोगो ऑलरेडी तैयार रेडी हो चुका है। तो वो भाई का मेरे पे फ़ोन आया था कि भाई तू आके ले जा, तो मैं अभी निकल चुका हूँ घर से। तो रास्ता आप देख सकते हो पूरा एकदम खुला है, मेरी बाइक भी मैं एकदम स्लो चलाता हूँ क्योंकि इतना सारा गर्म पवन जो आता है वो इतना ख़राब लगता है कि जल जाती है चमड़ी। तो आप अभी बोल रहे होंगे कि भाई साहब तो सीधा बाइक से कार के अंदर आ गया। तो मेरा कज़िन ब्रदर रहता है इधर अंकलेश्वर के अंदर, तो वो बोलता है मेरे को, बोला कि चल भाई तू मेरे साथ आज गाड़ी लेके जाते हैं हम। तो उनकी कार के अंदर हम थोड़ा, उनका भी काम है उधर, तो हम गाड़ी लेके निकल चुके हैं अभी अंकलेश्वर से भरूच जाने के लिए। तो मैंने मेरे भाई को फ़ोन किया था, तो बोला कि मेरे को भी थोड़ा काम है RTO के ऊपर। वो भाई को थोड़ा लर्निंग लाइसेंस का था, वो अभी लाइसेंस के लिए वो टेस्ट ड्राइव देने के लिए जा रहा है वहीं पे। तो बोला कि तू भी मेरे साथ चल। तो मैंने सोचा कि चलो, गर्मी बहुत है अभी, तो मैं निकल चुका हूँ गाड़ी के अंदर। तो हम अभी, वो भाई ने भी नई कार ली है, बहुत ही अच्छी कार है, वैगनर जो नया मॉडल में आया अभी 2020 के एंड में आया था, तो बहुत ही अच्छी कार है। स्पेस के अंदर तो बहुत ही अच्छी कार है उनकी, स्पेस जो थी पुरानी वैगनर थी उनसे भी ज़्यादा है। और मेरे कज़िन ब्रदर ने जो गाड़ी ली अभी वो कमनी फिटिंग CNG ली है, तो बहुत ही अच्छी कार है, चलने में भी पेट्रोल की तरह चलती है गाड़ी, मालूम ही नहीं पड़ता कि गाड़ी गैस के ऊपर चल रही है। तो बहुत ही अच्छी कार है, और स्पेस का जो मैं बोलूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस दे दिया है गाड़ी के अंदर। छोटी सी कार है लेकिन स्पेस बहुत ही ज़्यादा है, और बहुत कंफर्टेबल कार है, तो अच्छा है, छोटी फैमिली के लिए बहुत अच्छी कार है। तो भाई ने बोला कि मैं मेरा काम निपटाता हूँ, तू तेरा काम निपटा ले। तो साथ में दोनों निकल चुके हैं कार के अंदर, और अभी वो भाई ड्राइविंग कर रहा है, मैं उसके बाजू में बैठा हूँ। तो बहुत ही अच्छा व्यू है, ये अंकलेश्वर भरूच का जो रास्ता है बहुत ही अच्छा रास्ता है। पहले 2 ही लेन थी, अभी 4 लेन हो गया है, लेकिन मेरे को गर्मी बहुत लगती थी बाइक के ऊपर, मेरा पूरा हाथ जल गया, वो जो बोलते हैं ना ब्लैक शैडो वो हो गया। टी शर्ट पहनी है मैंने हाफ बाइक की, तो वो क्या है कि हाथ पूरा जल गया है मेरा अभी, तो बहुत ही गर्मी है बाहर। तो अभी गाड़ी के अंदर बैठा हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि चलो भाई भगवान मिल गया मेरे को, तो गाड़ी के अंदर बैठा था। तो अभी हम जो अंकलेश्वर और भरूच के बीच में जो है गोल्डन ब्रिज, वहीं से जाने वाले हैं। तो मेरे को जाना है वहीं आगे, गोल्डन ब्रिज के बाहर ही जाने का है। तो गोल्डन ब्रिज के बाहर ही मेरे फ्रेंड आ चुका है उधर, तो मेरा वो वेट कर रहा है बाहर। तो अभी हम गोल्डन ब्रिज के अंदर देखते हैं कि ट्रैफिक का कैसा माहौल है। अभी तो नहीं होगा क्योंकि दोपहर है, सुबह और शाम को बहुत ट्रैफिक हो जाता है, लेकिन अभी तो नहीं होगा। अभी वो नया ब्रिज भी बन चुका है बाजू, गोल्डन ब्रिज की एग्जैक्ट बाजू के अंदर, तो वो भी शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ, वो ऑलरेडी तैयार है, लेकिन देखते हैं। अभी हम गोल्डन ब्रिज की ओर, तो हम गोल्डन ब्रिज के अंदर आ चुके हैं, तो अभी देखते हैं कि ट्रैफिक तो बहुत कम है, और ये अंग्रेज के ज़मानों का ब्रिज है, तो देखो कैसे खड़ा है अभी। तो देखो तो बहुत अच्छा लगता है गोल्डन ब्रिज के अंदर गाड़ी चला, लेकिन बहुत कम जगह होती है, स्पेस बहुत ही कम है। देखो आगे जो गाड़ी चल रही है, मेरी फेवरेट कार है हुंडई की एलेंट्रा, तो मेरा भी एक ड्रीम है कि मैं एलेंट्रा लूँ, लेकिन अभी तो मैं देख ही रहा हूँ उनको, मेरा ड्रीम कब पूरा होगा वो तो देखते हैं अभी। लेकिन आप सब दुआ करना मेरे लिए, भगवान जी से प्रार्थना करना कि मेरे पास भी ऐसी कार आ जाए बहुत जल्दी। तो आप सबका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है, आप सपोर्ट करते रहो मेरे को,
तो मैं नया नया वीडियो लाते रहूँगा और आपको भी मज़ा आएगा, तो नए नए लोकेशन के ऊपर मैं लेके जाऊँगा आपको। तो वीडियो देखते हो तो पूरा देखो, बीच में मत छोड़ दो, पूरा देखोगे तो आपको सब इसके अंदर से सब जानने को मिलेगा आपको। तो वीडियो को पूरा देखते रहो। मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो 2 से 3 मिनट, उसके बाद कोई वीडियो नहीं देखता, लेकिन पूरा वीडियो देखो, क्योंकि पूरा वीडियो देखोगे आप तो आपको उसके अंदर से जानकारी मिलेगी कि कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो पूरा वीडियो देखो आप, और चैनल को वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि मेरा नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो देखते हो तो एक लाइक छोड़ देना। वो क्या है कि एक लाइक भी मेरे लिए बहुत मान्य रखता है, तो एक लाइक कर देना। वीडियो देखते हो तो बस एक क्लिक ही करने की है ना लाइक के ऊपर, तो एक क्लिक कर देना। और हो सके वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा कंटेंट अच्छा लगे, तो एक छोटी सी कमेंट कर देना आपको अच्छा लगे तो। ऐसा नहीं है कि कमेंट करनी ज़रूरी है, आपको अच्छा लगे तो एक छोटी सी कमेंट कर देना, तो मेरे को भी अच्छा लगे कि नहीं भाई सबको मेरा वीडियो पसंद आया, तभी कमेंट किया होगा, तभी वीडियो को लाइक किया होगा, तो इतना ज़रूर कर देना। तो अभी मिलता हूँ बाहर, क्योंकि अभी मैं वीडियो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ। मेरा ब्रदर जो है मैं बाजू के अंदर बैठा है अभी, तो वो वीडियो निकल रहा है, लेकिन क्या है कि मैंने गाड़ी ले ली थी उनके पास से कि मेरे को भाई ड्राइविंग करना है गोल्डन ब्रिज के अंदर, तो मैंने गाड़ी ले ली थी। तो अभी बाहर वीडियो नहीं कर सकेंगे क्योंकि बाहर पुलिस खड़ी होगी और मेरे को वीडियो वहीं पे बंद करना होगा। तो मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो मैं आपको बहुत ही जल्दी स्टिकर का भी दिखा दूंगा कि कैसा मेरा स्टिकर होगा, तो वीडियो के अंदर एंड में दिखाऊंगा मैं वीडियो के अंदर, तो मेरा स्टिकर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखें, हमारा ख्याल रखेंगे। मिलते हैं, हर हर महादेव। Bye lovely peoples.